फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून विवाद में शिक्षक सैमुअल पैटी की हत्या के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पैटी को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग गुरुवार को पेरिस की सड़कों पर निकले और शिक्षक के साथ एकजुटता दिखाई। पैटी के समर्थन में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। पैटी की हत्या की निंदा करने के लिए सरकारी भवन मॉन्टपेलियर के पास जुटे। यहां भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्थानीय लोगों ने स्थानीय सरकारी इमारत पर प्रोजेक्टर के जरिए शार्ली हेब्दो के कार्टून एवं सैमुअल पैटी की तस्वीरें दिखाई। लोगों का कहना है कि उन्होंने इसके जरिए पैटी के प्रति अपना समर्थन जताया है। रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार शाम ओकिटेनी रीजन के मॉन्टपेलियर टुलहाउस इमारतों पर कार्टून एवं तस्वीरें 4 घंटे से ज्यादा समय तक दिखाई गई। शहर के मेयर ने कहा कि लोकतंत्र के दुश्मनों के खिलाफ कोई कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। कुछ लोग धर्म का इस्तेमाल हथियार के रूप में करना चाहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो गणतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बता दें कि शुक्रवार को एक अप्रवासी मुस्लिम आतंकवादी ने इतिहास के टीचर पैटी का सर कलम कर दिया। पैटी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस के दौरान शार्ली हेब्दो द्वारा पैगंबर मोहम्मद के बनाए गए कार्टून को छात्र को दिखाया था। इस मुस्लिम युवक ने अल्लाहू अकबर बोलते हुए 47 साल के टीचर का गला रेत दिया। फ्रांस और दुनिया भर में इस घटना की निंदा की जा रही है। फ्रांस में इस घटना के बाद लोग हैरान हैं। इस हत्या ने शार्ली हेब्दो की घटना को याद दिला दिया। इस बीच फ्रांसीसी सरकार भी देश से इस्लामी कट्टरपंथ को मिटाने के लिए एक्शन में है। पूरे देश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बड़ी संख्या में संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। यही नहीं, पेरिस में एक मस्जिद को 6 महीनों के लिए बंद कर दिया गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।